नमस्कार दोस्तों, आपको दिवाली और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो और आपको बताते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग है आज की हमारी इस खबर में। वैसे आप सभी जानना चाहते होंगे कि भोजपुरी स्टार्स ने कैसे मनाई दिवाली। तो आपको बता दें कि सारे भोजपुरी स्टार्स ने ज्यादातर अपने घरों में ही दिवाली मनाई है, लेकिन कुछ भोजपुरी के ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने अपने घर से दूर रहकर दिवाली मनाई है। उनमें से प्रमुख हैं अक्षरा सिंह और पवन सिंह। हाँ, ये बात और है कि ये दोनों ने साथ मिलकर दिवाली नहीं मनाई है, पर तकरीबन एक शहर में ही दिवाली मनाई है। आपको बता दें कि अक्षरा सिंह इन दिनों मजनुआ की शूटिंग रितेश पांडे के साथ कर रही है और साथ ही उनके एक्स बॉयफ्रेंड पवन सिंह इन दिनों बॉस की शूटिंग बनारस में कर रहे हैं। जी हाँ, उनके फिल्म बॉस की शूटिंग स्टार्ट हो गई है और शूटिंग स्टार्ट होने से पहले दीपावली के शुभ अवसर पर पवन सिंह ने अपने हाथों से अपने पूरे स्टाफ को मिठाइयां बांटी। पहले तो आप इनकी तस्वीरें देख लीजिए और अब हम बताते हैं कि एक ही शहर में रहते हुए क्यों पवन और अक्षरा ने एक साथ दीपावली नहीं सेलिब्रेट की। आपको तो पता ही होगा कि अक्षरा सिंह इन दिनों रितेश पांडे और खेसारी लाल यादव के साथ ज्यादा फिल्में साइन कर रही हैं। इन दिनों अक्षरा सिंह रितेश पांडे के साथ ही अपनी फिल्म मजनुआ की शूटिंग कंप्लीट करने में लगी हुई है। इससे तो आपको पता ही होगा कि अक्षरा सिंह रितेश पांडे के साथ एक और फिल्म में नजर आने वाली है जिसका नाम है राजा राजकुमार। लेकिन आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग अभी कुछ दिनों के लिए टाली जा चुकी है। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि अक्षरा सिंह और फिल्म के प्रोड्यूसर का पैसों को लेकर कुछ खींचतान हो गई है। खैर, इस पर हम कभी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन फिलहाल क्या जरूरी है आप ये देखिए। अक्षरा सिंह भी अपनी फिल्म मजनुआ की शूटिंग बनारस के आसपास ही कर रहे हैं और पवन सिंह भी अपनी फिल्म बॉस की शूटिंग बनारस में ही स्टार्ट कर चुके हैं। ये बात और है कि जिस दिन पवन सिंह ने बॉस की शूटिंग स्टार्ट की, उस दिन अक्षरा की फिल्म मजनुआ का फर्स्ट शेड्यूल खत्म हो चुका था, यानी कि फिल्म की जितनी शूटिंग थी उतनी कम्प्लीट हो चुकी थी फर्स्ट शेड्यूल की। लेकिन गौरतलब है कि तकरीबन एक ही शहर में रहने के बावजूद इन दोनों स्टार्स ने एक दूसरे से न मिलना मुनासिब समझा और ना ही दिवाली सेलिब्रेट करना। भाई, ये बात और है कि आजकल आप लोग के दिल और मन एक दूसरे से भले ही खफा खफा है, लेकिन एटलीस्ट आप दोनों भोजपुरिया दर्शकों के सबसे चहेते स्टार्स में से हैं। अपने दर्शकों की ही खातिर सारे गिले शिकवे भुलाकर एक हो जाएं। खैर, आपको बता दें कि पवन सिंह बनारस में तो उनकी पत्नी ज्योति मुंबई में उनके परिवार वालों के साथ दीपावली का त्योहार सेलिब्रेट करती नजर आई। साथ ही आपको बता दें कि रवि किशन भी अपने परिवार के साथ मुंबई में अपने घर पर दिवाली सेलिब्रेट करते नजर आए। तो वही शुभी शर्मा, आम्रपाली दुबे और मधु शर्मा भी मुंबई में अपने परिवार वालों के साथ दिवाली सेलिब्रेट की। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।